हरियाणा में ई टेंडरिंग का विरोध भी लगातार हो रहा है और ऐसे में आज हिसार में सरपंच विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद सरपंचों का प्रदर्शन शुरू होगा। आपको बता दें कि प्रदेश भर में सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं और सरपंचों की ग्रांट बढ़ाने की मांग भी सरपंचों की ओर से हो रही है। तो हिसार में आज वृहद स्तर पर बड़ा प्रदर्शन सरपंचों की ओर से। दोपहर 12 बजे ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। लगातार ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का विरोध सरपंचों की ओर से हो रहा है। सरकार की ओर से, बीजेपी के प्रवक्ताओं की ओर से बार बार सरपंचों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि ई टेंडरिंग को एक बार लागू कर देख लीजिए, अगर इसमें कोई खामी आती है तो आगे सुधार हो जाएगा। यही बात जेजेपी की ओर से भी अजय चौटाला ने कल कही थी। वो भी यही कह रहे हैं कि एक बार ई टेंडरिंग लागू हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर इसमें कहीं कोई कमी होती है तो सुधार कर ली जाएगी। लेकिन सरपंचों को लगता है कि ई टेंडरिंग लागू होना यानी सरपंचों की शक्ति कम होना, ई टेंडरिंग लागू होना यानी कि भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होना, ई टेंडरिंग लागू होना यानी कि सरपंचों से उनके अधिकार छीन लेना, और ई टेंडरिंग लागू होना यानी कि ठेकेदारी की प्रथा को बढ़ावा देना। तो ये ई टेंडरिंग के मायने सरपंच निकाल रहे हैं और इसी चीज को लेकर आज हिसार में बड़े स्तर पर सरपंचों का प्रदर्शन होने वाला है। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है। अब से तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद यहां पर सभी सरपंच एक साथ जुट जाएंगे और ग्रांट बढ़ाने की मांग के साथ ही ई टेंडरिंग का विरोध भी करेंगे। हिसार से मेरे सहयोगी रोहित कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, 12 बजे का समय तय हुआ है, अब तक कितने लोग वहां पर मौजूद हैं, कितने लोग पहुंच चुके हैं, कितने लोगों के और पहुंचने की संभावना है, कितने बड़े स्तर पर आज ये प्रदर्शन होने वाला है? देखिए हार्दिक, अगर इस प्रदर्शन की बात कर ली जाए तो पूरे हरियाणा में अलग अलग ब्लॉक लेवल पर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये प्रदर्शन होने हैं। मसलन जिस तरह से पहले ऐलान किया गया था कि जो टोहाना में मंत्री देवेंद्र बबली का कार्यक्रम होना है उसका बायकॉट करते हुए वहां पर काले झंडे दिखाए जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पर इस कार्यक्रम को स्थगित करते हुए निर्णय ये लिया गया कि तमाम डिस्ट्रिक्ट और तमाम ब्लॉक लेवल्स पर जो है प्रदर्शन करते हुए पुतले फूके जाएंगे। तो आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर हिसार में भी ये प्रदर्शन होना है, और हिसार की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर दो ब्लॉक्स के सरपंच जो है, मतलब अगर इनकी संख्या की बात करी जाए तो करीबन 60 से 100 के बीच में इनकी संख्या है, ये जुटेंगे। संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि पंच भी पहुंच जाए इनके साथ। तो कुल मिलाकर ई टेंडरिंग को लेकर जिस तरह से विरोध ये सरपंच कर रहे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज जो है पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होते नजर आएंगे। रोहित, लेकिन यहाँ पर सरकार से बात बनती हुई भी तो नजर नहीं आ रही है। हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी नतीजे तक यह प्रदर्शन पहुंचेगा, क्योंकि सरकार इस चीज को सीरियसली ले ही नहीं रही है। देवेंद्र बबली के खिलाफ तो ऐसा मोर्चा खोला है जैसे कि देवेंद्र बबली कोई विपक्ष के नेता हो और सारे के सारे सरपंच एक तरफ हो गए हो। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की ओर से तो कोई संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा है इस पूरे मामले पर। देखिए हार्दिक, सरकार अपनी तरफ से पक्ष जो है वो साफ कर चुकी है, और ना सिर्फ मंत्री देवेंद्र बबली साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ई टेंडरिंग को लेकर अपना बयान जो है वो दे चुके हैं। दूसरी तरफ अगर सरपंचों की बात कर ली जाए तो सरपंचों ने सीधे तौर पर यही निर्णय लिया हुआ है कि जब तक ई टेंडरिंग वाली प्रोसेसिंग जो है खत्म नहीं होती और सरपंचों अगर पावर की बात कर ली जाए जिसे घटाकर 2 लाख रुपए किया गया है उसको एक तरह से पहले की तरह नहीं किया जाता, तब तक पूरे हरियाणा में एक तरह से काम रोको प्रस्ताव जो है उनकी तरफ से लाया गया है। मतलब गांव का कोई भी कामकाज हो जिसका प्रस्ताव बनाकर भेजना होता है डिपार्टमेंट को, उसके बाद ही ई टेंडरिंग की प्रोसेसिंग भी शुरू होनी थी। तो एक तरह से उस पर भी एक तरह से लगाम लगा रखी है इन्होंने, एक तरह से पूरी तरह से रोक रखा है, और उसी के मध्य आंदोलन करते हुए तमाम जगहों पर काली पट्टी बांधकर भी धरने लगाए गए हैं। क्योंकि बीडीपीओ कार्यालय के बाहर चल रहे धरनों की बात कर ली जाए तो वहीं पर एकाएक जो है ये आंदोलन को तेज करने की इनकी रणनीति, और उसी के मुताबिक आज हरियाणा में प्रदर्शनों की रूपरेखा बनाई गई है साफ तौर पर। रोहित, यहाँ पर समझने वाली बात एक ये भी हो जाती है कि एक तो सरपंची के चुनाव बड़ी देरी से हुए हरियाणा में, अब जब चुनाव हो गए हैं, सरपंच चुनकर आ गए हैं, पंच चुन करके आ गए हैं, तो उसके बाद अब उन्हें काम करने में भी समस्या आ रही है। उन्हें लग रहा है कि उनके अधिकार, उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनका पैसा सब इधर उधर बंट गया है। तो ऐसे में सरपंच काम करेंगे तो करेंगे कैसे? ये कोई एक दो सरपंच थोड़ी है, ये तो 6000 से ज्यादा सरपंच है। वो तो है ही, क्योंकि कामकाज रोको प्रस्ताव लाने का मकसद ही इनका ये है कि जो इनकी मांगे हैं वो सरकार माने। अब तो इसका हल जो है एक तरह से सरपंचों की, तो सरकार को इसका फर्क पड़ रहा है क्या?
सवाल तो ये है कि सरकार को इसका फर्क पड़ रहा है क्या कि अगर काम रुक जाता है, गांव का विकास रुक जाता है, तो सरकार को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये भी तो बड़ा सवाल है। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आगे की अपडेट के लिए, और 12 बजे जब ये प्रदर्शन होगा